еще Весномор. चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन इज ओवर नाउ। सर, चार्जशीट में ऐसा कोई मैटर नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि एप्लीकेंट की कार में जो ड्रग से भरा हुआ बैग मिला था वो खुद एप्लीकेंट का है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस। डिसीज्ड अक्यूज्ड मिस्टर केशव राठौड़ एप्लीकेंट का रूममेट था और उस इंसिडेंट वाली रात उसके साथ था। एप्लीकेंट इज एब्सोल्युटली इनोसेंट सर। ही वोंट जंप वेल, ही हैज अ जॉब एंड अ फैमिली टू लुक आफ्टर। So I request the court to please grant him bail. Thank you. What do you have to say? Your Honor, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा, डिफेंस इस पूरी केस को डिसीज्ड एक्यूज पर शिफ्ट करके केशव राठौड़ की मौत का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक्यूज को बेल मिल गई तो ये मुमकिन है कि बाहर जाकर वो एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइम विटनेस को हार्म या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। आई रिक्वेस्ट द कोर्ट टू रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन। थैंक यू। पुलिस ऑफिसर के ऊपर फायर करना एक सीरियस ऑफेंस है जिसे ओवरलुक नहीं किया जा सकता। आई एग्री विद द प्रोसिक्यूशन दैट द एक्यूज्ड में ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड हार्म द प्रोसिक्यूशन प्राइम विटनेस एंड टू टेम्पर द एविडेंस। प्राइम एक्यूज्ड की डेथ के बाद एक्यूज्ड ही अकेला है जिसके जरिए ये केस अपने लॉजिकल नतीजे तक पहुंच सकता है। देयरफॉर आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर बेल।